ये है दिल्ली दर्पण। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां लोगों के बीच जाकर अपने किए गए कार्यों को सबके सामने रख रही हैं। और इसी कड़ी में आदर्श नगर जिला कांग्रेस ने भी शालीमार बाग में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें आदर्श नगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता सहित कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के सभी नेताओं ने शालीमार बाग में लोगों से जाना कि आखिर उनके साथ क्या समस्याएं हैं, और उनका ये भी कहना है कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और क्योंकि दोनों सरकारें फेल हैं, ना आम आदमी ने कुछ काम किया है गवर्नमेंट ने, केजरीवाल साहब की, और ना ही मोदी साहब की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। अगर झुग्गी वालों के लिए या गरीब लोगों के लिए अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम गरीबों के बीच में जाएं, उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे राशन कार्ड की समस्याएं हैं, चाहे आधार की समस्याएं हैं, चाहे वोट काटी जा रही है उसकी समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, उन पर सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से गरीबों के साथ में रही, और आज दिल्ली के अंदर जितने झुग्गी क्लस्टर्स हैं ये वो लोग हैं जो दिल्ली के बाहर से आके यहाँ पर अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ते हैं और दिल्ली के विकास में अप्रत्याशित मदद करते हैं। आज दिल्ली का अगर विकास हुआ है तो इन लोगों की वजह से हुआ है, इन लोगों के काम करने से हुआ है, इन लोगों की मेहनत और परिश्रम से हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन लोगों का ख्याल रखती रही है ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अभी तक मैं बहुत क्लस्टर्स में गई हूँ, जो हमारे ज़िले में जितने भी क्लस्टर्स हैं, जे कॉलोनीज हैं, झुग्गियाँ हैं, उनमें मैं गई हूँ। लोग जितने जुड़े हुए थे आज भी वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो उनको लगता है कि हमारा परिवार हमें मिल गया दोबारा से। जहाँ उन लोगों की, जहाँ जितना काम कांग्रेस ने किया था वहीं उन लोगों की तरक्की रुकी हुई है। आगे वो लोग बहुत परेशान हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से आए और उन लोगों का आगे से उन लोगों के लिए अच्छा हो, विकास हो उन लोगों का। कांग्रेस जब पहले भी आई थी तो कांग्रेस ने इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत काम किया था। इन्होंने कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम, जहाँ झुग्गी वाले हैं इनको यहीं नीचे शॉप बना के और 14 मंजिली फ्लैट बना के देने का वादा किया था। वहीं जब दिल्ली दर्पण टीवी ने इलाके के लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि उनके इलाके में जनप्रतिनिधियों ने केवल उन्हें आश्वासन ही दिए हैं, आज तक उनके लिए यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया। अभी भी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से? अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और नाली की समस्या के दरवाजे से इतनी गड्ढी नाली है लेकिन अभी तक सफाई नहीं होता है। लोगों की शौचालय साफ नहीं रहते, कोई सुनवाई नहीं। नाली का ब्लॉकेज है, हफ्ते हफ्ते दिन में आता है, साफ करते हैं और ते सब दुखी है इस चक्कर में। हमारे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं। फिलहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं के निवारण का आश्वासन दे रहे हैं, वो वाकई कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूत जरूर कर रहा है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ शिवांगी गौड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर